ओके तो भाई फाइनली मनी इन द बैंक का मेंस वाला लैडर मैच खत्म हो चुका और भाई इसका रिजल्ट बहुत हमें अलग देखने को मिला। मतलब किसी ने ये चीज को प्रिडिक्ट नहीं किया था कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को इस बार डेमन प्रिस्ट विन करने वाला। एक्जेक्टली क्या हुआ इस पूरे मैच के अंदर, साथ ही ये मैच का क्वालिटी कैसा था, सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई बस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैच का स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो भाई मैच का स्टार्टिंग जैसे ही होता है यहाँ पर सारे रेसलर यहाँ पर लोगन पॉल के ऊपर टूट पड़ते हैं। वैसे हमें किक मूवी का सस्ता वाला सलमान खान भी यहाँ पर देखने को मिलता, कुछ इसी तरह से यहाँ पर लुक था सेंटो एस्कोबार। वैसे मैच के स्टार्टिंग का बात करें तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सारे रेसलर यहाँ पर लोगन पॉल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर लोगन पॉल साइड हो जाते हैं, आपस में जितने भी रेसलर रहते हैं सारे रेसलर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद रिंग के अंदर जो डेवन प्रिस्ट रहते हैं एक्चुअली एक लैडर लेके आते हैं, पर इनको काउंटर करने के यहाँ पर सेंटो स्क्वायर यहाँ पर रिको से दोनों साथ में मिल जाते हैं। उसके कुछ टाइम बाद फिर से लोगन पॉल आते हैं रिंग के अंदर, लोगन पॉल सीधे लैडर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। पर भाई एक बार फिर से मिलकर सारे रेसलर यहाँ पर लोगन पॉल को कुटाई कर देते हैं रिंग के अंदर। उसके कुछ टाइम बाद लोगन पॉल इस बात को समझ जाते हैं कि अब मुझे कोई पार्टनर बनाना चाहिए, तभी मैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को मैं विन करूंगा। और उनके पार्टनर यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बनते हैं डेवन प्रिस्ट। डेवन प्रिस्ट जैसे अटैक करने के लिए आते हैं यहाँ पर लोगन पॉल पहले ही करते हैं भाई अटैक मत कर। उसके बाद ये दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोग सबसे पहले टेबल लगाएंगे, उसके बाद टेबल के ऊपर रेसलर को पटकेंगे। और भाई जैसे ही टेबल वगैरह यहाँ पर सेटअप होता है डेवन प्रिस्ट खुद से अटैक कर देते हैं यहाँ पर लोगन पॉल के ऊपर एक बार अगेन। और इसके बाद लोगन पॉल को बहुत ज्यादा धोखा मिल चुका था इस पूरे मैच के अंदर। देन उसके बाद जो डेवन प्रिस्ट रहते हैं रिंग साइड के बाहर ही सारे रेसलर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर एक लैडर भी लगा देते हैं। भाई उस लैडर के ऊपर सिंसुके नाकामुरा सुला देते हैं यहाँ पर डेवन प्रिस्ट को, सिंसुके नाकामुरा यहाँ पर अटैक करने जाते हैं डेवन प्रिस्ट के ऊपर। यहाँ पर लोगन पॉल चलाकी करते हैं, लोगन पॉल यहाँ पर पैर ही खींच लेते हैं सिंसुके नाकामुरा। देन उसके बाद लोगन पॉल यहाँ पर जंप कर जाते हैं डेवन प्रिस्ट के ऊपर। भाई ये सच में बहुत कमाल का जंप था। एक्चुअली में यहाँ पर लैडर टूटा नहीं था तो दोनों रेसलर को यहाँ पर काफी ज्यादा पेन भी होता है। देन इसके बाद आगे हमें मैच के अंदर हमें बुच का भी बड़ा कमाल का मूवमेंट देखने को मिलता है, जहाँ बुच सारे रेसलर के ऊपर अपना मूनसॉल्ट लगा देते हैं। और ये भी बड़ा कमाल का मूवमेंट था, अगर आप लोग ऐसे भी देखो तो भाई बुच का काफी अच्छा परफॉर्मेंस था पूरे मैच के अंदर। वैसे मैच का एंडिंग के बारे में बात करें तो एक बड़ा कमाल का मूवमेंट देखने को मिलता है, एक लैडर के ऊपर सिंसुके नाकामुरा और रिको से होते हैं और उनके जस्ट अपोजिट वाले लैडर के ऊपर यहाँ पर लोगन पॉल रहते हैं और सेंटो स्कोबार रहते हैं। वैसे इसके बाद हमें रिंग के अंदर हमें एलेनाइट देखने को मिलते हैं, एलेनाइट आकर दोनों ही लैडर को वहाँ पर गिरा देते हैं, जिसके कारण चारों रेसलर रिंग साइड से बाहर हो जाते हैं। और हाँ मैं आप लोग को बता दूं, एलेनाइट जब जब रिंग के अंदर आ रहे थे एलेनाइट को बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा था मैच के अंदर। वैसे लोगन पॉल मैच के स्टार्टिंग में रिंग साइड के बाहर जो टेबल लगाए थे उसी टेबल के ऊपर जंप कर जाते हैं यहाँ पर रिको से के साथ, और ये मूव लगाते समय थोड़ा सा यहाँ पर बाउच हमें देखने को मिला था, पर हाँ ये बड़ा कमाल का मोमेंट यहाँ पर देखने को मिला था। वैसे अगर हम लोग मैच के एंडिंग के बारे में बात करें तो मैच के एंडिंग में यहाँ पर लैडर के ऊपर चढ़े थे डेवन प्रिस्ट और एलेनाइट, और यहाँ पर जो डेवन प्रिस्ट रहते हैं लैडर को ऊपर से यहाँ पर एलेनाइट को यहाँ पर से गिरा देते हैं। फाइनली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन चुके हैं हमारे डेवन प्रिस्ट। वैसे मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पर सैड बिल्कुल भी नहीं हूँ, डब्ल्यूई वाले ने काफी अच्छा यहाँ पर डिसीजन लिया है। साथ ही साथ अगर मैच के बारे में बात करें तो भाई मैच बड़ा कमाल का था, पर हाँ मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो प्रेडिक्शन नहीं निकला। वैसे आप लोग सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि आगे जितने भी मैचेस होने वाले सारे मैचेस सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलने वाले।